अरे ये क्या हो गया भाई, कोई अंदर गिर थोड़ी ना गया है। देखो जल्दी अंदर घुस के, जल्दी देख भाई मेरे कोई गिरा थोड़ी ना है अंदर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज गाइस मैं जा रहा हूँ केरकचार और वहाँ का टूर दिखाऊंगा आपको। और मौसम काफ़ी बेहतरीन है और बरसात स्टार्ट हो चुका है, मेरा फेवरेट मौसम। तो अब चलते हैं आगे और क्या क्या होता है दिन भर, आपको सब चीज़ें बताऊँगा। अभी तो फिलहाल लड़के लोग आ रहे हैं, मैं आजकल ठेकेदारी में घुस चुका हूँ, आपको मैं बता दूँ। कई जगह बहुत सारी चीज़ें जो काम है छोटी मोटी गवर्नमेंट वाली वो मैं करवाता हूँ, इसलिए मैं गांव-गांव घूमते रहता हूँ। आप लोग को इतना दिन मैं बताया नहीं था, लेकिन आज मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तभी फिलहाल लड़के लोग मेरे आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बाइक से और आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और वेदर काफ़ी मस्त हो गया गर्मी के बाद से, काफ़ी परेशान थे गर्मी में, कुछ ज़्यादा ही तेज़ गर्मी पड़ता था, लेकिन अब बरसात का मौसम आ गया है। अब से आपको बेहतरीन बेहतरीन ब्लॉग आने लगेगा और आपको इन्जॉयमेंट मैं देते रहूँगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग। गाइस मौसम काफ़ी बेहतरीन हो रहा है और मैं अभी एक गांव में घुसने वाला हूं, तो आपको गांव का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूं। तो मैं आ चुका हूँ अपने एक भाई को लेने के लिए जो हमारे साथ काम करता है, उसको लेने के लिए उसके घर आया हूँ। और उसके घर में मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी से घर बनाया जा रहा है, तो मिट्टी से कैसे घर बनाते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये पहले मिट्टी तैयार किया जा रहा है, उसका पेस्ट, और ये मिट्टी का ही, कच्चे मिट्टी का ही ईंट बनाया गया है, ईंट बनाया गया है, और इसी के सहायता से और मिट्टी से ही इसको पेस्ट बना के, जैसे सीमेंट और ईंट का हम लोग करते हैं उसी प्रकार इसको भी बनाया जाता है। तो काफ़ी यूनिक रहता है और इन लोग का बताने के अनुसार 50 साल तक के चलता है ये घर। और वो भाई तो हमको मिला नहीं, तो हम निकल रहे हैं अब अपने काम के लिए। तो बाकी मेरे लड़के पिकअप में आ रहे हैं, ये कुछ नज़ारा आपको और गाँव का मैं दिखाता हूँ। तो गाइस एक गांव से मैं गुजर रहा था, तो मैं देखा एक स्कूल का बाउंड्री वॉल है जिसको एकदम ट्रेन की बोगी की तरह सजाया गया, कितना बेहतरीन कारीगरी किया गया, आप भी देखिए। ये एक पेड़ में इतना आम फला था ना कि इसका ब्लॉग वीडियो बनाना मुझे पड़ गया, देखो काफ़ी ज़्यादा आम फला हुआ है। तो ये मेरे लड़के लोग भी पिकअप में बैठ के जा रहे हैं सभी कोई, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हैं इन लोग भी काम करते करते। और पीछे में कुछ लोग हैं, आगे में कुछ लोग हैं, इन लोग भी सारा सामान लाद के पहुंच रहे हैं। और ये हम जहां पहुंचने वाले थे, जहां का हमको काम करना है, ये वहां पहुंचने वाले हैं अभी। तो यहाँ भी गाँव का कुछ नज़ारा थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। तो ये वो गांव है जहां हमको कुछ काम करना है, तो आपको मैं आगे बताता हूं। तो देखिए पहुंच गए हैं। तो ये हुआ है फॉल्ट केरकचार में और हमारे लड़के सब आ चुके हैं, और इस फॉल्ट को रेडी करने के बाद फिर निकलेंगे हम घर। हाँ तो बनाएगा कौन, नीरज जी बनाएगा ना। ये पाइपलाइन है, ये फट चुका है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आया है। अपने लड़के लोग तैनात, चलो जल्दी जल्दी भीड़ो, अब जल्दी जल्दी भीड़ो अपना अपना हथियार पकड़ के। अरे 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 राम साहब, घुसर जा घुसर जा। हम लोग ये पाइप लगा के गए थे, और पाइप क्या है ना, दबाव पड़ने से, अब मिट्टी क्या दबता है, थोड़ा बहुत पानी वानी गिरता है, तो दबाव पड़ने से फट सा गया, फट गया था वो दबाव पड़ने से। तो उसी को रिपेयर करने के लिए आए हुए हैं लड़के लड़के सब रेडी, काम वाम में भीड़ रहे हैं। अब इस काम को कल जल्दी जल्दी कर।
गांव में यही फॉल्ट है, इस फॉल्ट को जल्दी जल्दी रिपेयर करते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो केरा कचार आए हुए थे हम लोग और हम लोग को यहाँ एक छोटा सा नदी जैसा बांध जैसा दिख गया। आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं, देखो काफ़ी प्यारा सा है और कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं यहाँ। आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो देखो इधर गैया सब विश्राम कर रही है गर्मी में। और मौसम काफ़ी बढ़िया था सवेरे, लेकिन अब फिर धूप आ चुका है और काफ़ी तेज़ धूप आया है। देखो शाम को हो सके तो पानी गिर सकता है। इधर का आप व्यू देखो ज़बरदस्त लग रहा होगा पीछे तरफ। तो काम करते करते और बांध पार से घूम के आते आते हम लोगों को यहाँ कोसम का पेड़ मिल गया। और ये देखो भाई रखा है कोसम हाथ में और अभी और तोड़ेंगे बहुत सारा तो आपको दिखाते हैं। ये देखो ये है कोसम का पेड़, कुछ इस प्रकार का फल रहता है, खट्टा खट्टा लगता है ये खाने में। आप ये देखो इसके बीज से तेल भी बनाया जाता है। ये है कोसम का पेड़, अब भाई चढ़ेगा तोड़ेगा कोसम फिर आपको दिखाते हैं कौन सा फल है। ये देखो ये फल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सारा फल है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसको कोसम बोला जाता है। तो चलो तोड़ता है भाई, उसके हाथ से दिखाते हैं आपको किस प्रकार से भाई चढ़ेगा अब ऊपर। चल फेंक। ये देखो इसको बोलते हैं कोसम। फेंको। ये देखो ये है कोसम, देख ना गिर गए गुराबे मत। गाइस काफी सारा हमने ये कोसम तोड़ लिया, ये भाई तोड़ा है हमारा, तो अब लेके चलेंगे इसको घर ताकि इसको मम्मी और बहन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी के लिए तोड़वाया हूँ। सब लेके चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे भी। केरा कचार का हमारा काम कंप्लीट और काफ़ी अच्छे से इसका रिपेयरिंग भी हो गया और पानी अब आने लगेगा अच्छे से। यहाँ का जो हमारा काम है वो कंप्लीट है, अब अच्छे से यहाँ माटी पटिंग कर देते हैं। तो वहाँ का हमारा काम कंप्लीट हुआ और एक जगह का और काम कर रहे हैं लड़के लोग, तो अब उन लोग के नाश्ते के लिए मैं कुछ लेने के लिए आया था। तो ये रहा शॉप, यहाँ पर अभी हम बनवा रहे हैं समोसा भजिया, वो बनने के बाद लेके चलेंगे लड़कों की तरफ, हम लोग भी खा वा लेंगे, उसके बाद फिर एक छोटा सा काम है वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। इधर चल रहा है भजिया पार्टी और हमको अभी बनाना है इस सिंटेक्स के अंदर में पानी का सप्लाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको चेक करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। तो थोड़ा बच्चे नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद भिड़ेंगे इन लोग भी। तो गाइस अब निकलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ का नल में पानी भी आ गया है, यहाँ का टंकी का भी काम कंप्लीट, अब निकलेंगे घर। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड और आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो कि आप लोग को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।